इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में आमिर खान की लाडली बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे की शादी की चर्चाएं हैं। हालांकि बीते दिनों इस कपल ने कोर्ट मैरिज तो की, लेकिन अभी शादी की रस्में यहीं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि कोर्ट मैरिज के बाद तो अभी ये कपल डेस्टिनेशन वेडिंग भी करने वाला है। उदयपुर में होगी ये डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसके बाद 13 जनवरी को मुंबई में होने वाला है ग्रैंड रिसेप्शन। यानी कि नुपुर शिखरे और आयरा खान की शादी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो हुई है इनकी शादी की शुरुआत और लंबी चलने वाली है इनकी ये शादी की चर्चाएं। आमिर खान की बेटी आयरा और नुपुर शिखरे भले ही 3 जनवरी को कोर्ट मैरिज करके शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन अभी 7 फेरे बाकी हैं, रिसेप्शन बाकी है, जिसमें फैमिली मेंबर्स और कुछ खास दोस्त शामिल होंगे। वहीं आमिर खान ने शादी में इंडस्ट्री के कई दोस्तों को बुलाया है। बताते चले, आमिर खान कोर्ट मैरिज में जहाँ काफी ज्यादा सिंपल नजर आए, वहीं कहा यह जा रहा है कि उनके डेस्टिनेशन वेडिंग काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाली है। वहीं बात करें अगर रिसेप्शन की, तो 13 जनवरी को मुंबई में होने वाले रिसेप्शन में बॉलीवुड के कई खास सेलिब्रिटीज मौजूद होंगे। रिपोर्ट की माने तो इस गेस्ट लिस्ट में सामना होगा सलमान खान और शाहरुख खान का एक बार फिर से। रिपोर्ट की माने तो आयरा खान की रिसेप्शन में शाहरुख खान के साथ साथ सलमान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, करण जौहर, अक्षय कुमार, करीना कपूर, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गवारकर और जूही चावला जैसे कई बड़े सितारे इनवाइट किए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो आमिर खान ने कुछ साउथ एक्टर्स को भी इनवाइट किया है। तो वहीं रिसेप्शन से लेकर शादी ग्रैंड होने वाली है। रिपोर्ट की माने तो 900 लोग इस शादी में शामिल होने वाले हैं। वही बात करें आमिर खान की बेटी आयरा की, तो इन दिनों वह अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। अब देखना ये है कि अपने रजिस्टर्ड मैरिज में आमिर की बेटी आयरा और नुपुर जिस तरीके के कपड़े पहनकर नजर आए और उनके लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, अब क्या शादी में कोई नए अतरंगी लुक में नजर आने वाले हैं, या फिर एक खूबसूरत दुल्हन के तौर पर आयरा और नुपुर की जोड़ी दिखाई देगी।